लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहां बिहार दिवस की तैयारियां जो है वो काफी जोर शोर से चल रही है 22 मार्च यानी कि आज के दिन से बिहार दिवस मनाया जा रहा है आज शाम से कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी और चौबीस मार्च तक ये जो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हैं वो जारी रहेंगे तो इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं कि गांधी मैदान में किस तरीके से बिहार दिवस के लिए तैयारियां की जा रही है आपको सबसे पहले ये बता दें कि इस साल के बिहार दिवस का थीम जो है वो जल जीवन हरियाली रखा गया है और बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे पीछे तो हर एक विभाग जो है बिहार सरकार का हर एक विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है चाहे परिवहन विभाग हो चाहे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हो या फिर और भी जो भी विभाग है हर एक विभाग की तरफ से बहुत तैयारियां चल रही है बहुत अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुंचे हैं शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की जाने वाली है काफी बड़े बड़े कलाकार भी हैं जो कि आएंगे बिहार दिवस में उनकी मौजूदगी होगी जैसे कैलाश खेर जैसे बड़े बड़े सिंगर्स और भी काफी बड़े चेहरे होंगे जिन्हें बिहार की जनता जो है आज शाम से गांधी मैदान में देख पाएगी और काफी ज्यादा मनोरंजक होने वाला है यह सब कुछ और तैयारियां जो है वो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर चल रही है पूरा गांधी मैदान जो है अगर आप देख सकते हैं एक एक कोना गांधी मैदान का सजा दिया गया है गांधी मैदान का इस वक्त ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ अगर आप जाए तो आपको कुछ अनोखा देखने के लिए नहीं मिलेगा हर एक बिहार सरकार का जो भी विभाग है हर एक विभाग की तरफ से अलग से अलग चीजें लाई गई हैं साथ ही साथ पुस्तक मेला भी एक लगाया गया है जहाँ एक ऐसी पुस्तकें मौजूद है जिनके बारे में जहाँ आप अगर पढ़ेंगे जहाँ पुस्तकों को लेते हैं तो बिहार से जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी साथ ही साथ लोकगीत का भी कार्यक्रम तय किया गया है और भी अन्य कई ऐसी चीजें हैं जो आज शाम से शुरू होने वाली है शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं और चौबीस मार्च तक ये सारे रंगारंग कार्यक्रम जो है वो जारी रहेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बाईस मार्च से लेकर चौबीस मार्च तक जो है वो जारी रहने वाला है कार्यक्रम लेकिन एक बड़ी चीज़ यह है कि इतनी तपती धूप में भी लोगों का उत्साह जो है वो देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि गांधी मैदान के कुछ लोग अभी अंदर भी है जो फिलहाल अपनी शाम के प्रोग्राम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो अभी भी सेटअप हो रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत आकर्षक चीज़ें हैं जो लोगों को देखने मिलेगी जैसे कि हैंडलूम्स के लिए भी लोग एक अलग से पूरा सेक्शन तैयार किया गया है जहाँ लोग हैंडलूम्स देख पाएंगे और अभी तैयारियाँ जारी है आपको बता दूँ कि बहुत यहाँ पर पुलिस बल भी जो है तैनात है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तो और पानी की भी पूरी व्यवस्था की गई है इतनी तपती धूप में जो लोग प्रैक्टिस करें उनके लिए भी अंदर काफ़ी सारे पानी के स्टॉल्स लगाए गए हैं और खाने पीने की जो तैयारियां हैं यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लोगों को शाम को देखने को मिलेंगे ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार दिवस जाएंगे तो क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है तो यहाँ आपको बता दूँ कि अगर आप आज शाम से गांधी मैदान में अपनी मौजूदगी रखते हैं तो आप देखेंगे कि बिहार की कला बिहार की संस्कृति की एक झलक आप गांधी मैदान में देखेंगे। पूरे बिहार में कितना ज़्यादा कल्चरल रिच हेरिटेज है हर एक चीज़ गांधी मैदान में लाने की कोशिश की जा रही है और बिहार दिवस का मकसद एक यही है कि बिहार का जो कल्चर है इतना रिच कल्चर है वो लोगों को याद दिलाया जाए और वो कल्चर इस वक्त गांधी मैदान के एक एक कोने में दिख रहा है एक एक विभाग की तरफ से उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग देखें समझें और अपने जो कल्चर है बिहार का उस पर और ज़्यादा गर्व महसूस करें आपको और तस्वीरें दिखाते रहेंगे क्या कुछ होने वाला है सब कुछ आपको बताएंगे आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं धन्यवाद